और ये है जनाब पिंक अमरूद। दिखाई देता है अब ऐब भी हुनर उसका। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप सब लोगों के? मौसम आ गया है ज़बरदस्त सा, पाकिस्तान में भी सुना है कि अब जो है वो थोड़ा अच्छा मौसम शुरू हुआ है और यहाँ पर भी जो है थोड़ा बेहतर हो गया है मौसम। और इस मौसम में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो है वो ख़िज़ा नहीं आती, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो गर्मी के बाद जब अच्छा मौसम होता है तो समझें सर्दियाँ और बहार एक साथ आ जाती है। तो ये टाइम आ गया है ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें जो है आपने अपना जो बागीचा है वो सजाना है। और इसके लिए जो हम जहाँ पे अब शिफ्ट हुए हैं, रहने लगे हैं, यहाँ पर तीन जो हैं वो ये नर्सरीज़ हैं, प्लांट नर्सरीज़ यहाँ पर एक ही। लेकिन मेरा यही कहना है कि जनाब आप जब एक जगह से सामान लेते हैं ना तो उससे आपकी दोस्ती भी हो जाती है, आपको मुनासिब कीमत पे सामान भी मिल जाता है और एक समझे दुकानदारी महल्लेदारी की बात आ जाती है। तो ये वाली जो जैसे जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग्स देखे उन्हें पता होगा कि मैं इसी वाली नर्सरी में आती हूँ और यहाँ से लेके जाती हूँ पौधे वगैरह। और इन्होंने हमें मशवरा भी दिया कि किस तरह से जो है वो लगाना है पौधे, क्या क्यों जो है वो हमारे पौधे नहीं सही हो रहे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्या वजह है। फ़िलहाल आप मेरे साथ जो है ये थोड़ी सी बहरीन की जो है वो प्लांट नर्सरी इंजॉय कीजिए, आप लोग भी जाया करें। इंजीर ये देखें, वह तीन ही बस सही तो मुझे कुछ कम लग रहे हैं पौधे गर्मियों की बनिस्बत, क्योंकि लोग जो है ना वो आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ बाहर ख़िज़ा नहीं आती, जैसे आजकल बाहर के ममालिक में ऑटम फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर बाहर आती है सीधा गर्मी के बाद। चलें और दिखाते हैं, छोटा सा क्लिप बनाएंगे बस, आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करेंगे तंग, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी देखिए। यह है जनाब, यह है आम का पेड़। और यह है जनाब पिंक अमरूद। कितने का है? 8 दिनार का है। ओह माय गॉड, 8 BD। और जितने हमको समझ आए पौधे वो हमने ये सारे खरीद लिए हैं, सब ट्रे में आ गया है। चलिए ये भी है भैया, आपको हो गया बोला ना, हम 2 दिन ही सकते हैं, 2 दिन और 1 दिन और आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको 4 दिन दियो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 रुपये ऐसे। वाह, पौधे वगैरह लाने के बाद जो दूसरा मरहला था वो था पौधों के डॉक्टर को बुलाना। तो जनाब मुबारक जो था वो फारिग नहीं था, तो इसलिए जो हमने बिलाल को बुला लिया, क्योंकि ये मिट्टी भी जो है बिलाल ने ही डाली थी क्यारी में और हमारे अरमानों पे, क्योंकि पौधे जो हैं वो बन ही नहीं रहे थे। और मुझे बल्कि माशाल्लाह से एक दो कमेंट्स भी आए जिसमें बताया गया कि कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरा ख्याल किया। और उसके बाद जो है ये हमने बिलाल को बुलाया, तो बिलाल ने ज़बरदस्त किस्म की एक जो है वो केमिस्ट्री वाली साइंस बताई। उसने कहा कि ये जो मिट्टी है ये नई है और जब ये गीली होती है तो ये सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसको पौधे को जो है वो सांस नहीं आती। तो जहाँ आपने पौधा लगाना है ना
वहाँ पर आप ज़रा सा गढ़ा कीजिए और वहाँ पर आपने सिर्फ ये वाली जो कंपोज मिलती है ये डालिए। और कंपोज का मतलब यानी कंपोजिशन है, मिट्टी और जो खाद है उसका मिक्स जो है वो यहाँ पे कंपोज कहलाता है और वो बोरियों में मिलता है। तो उसने कहा आप गढ़ा कीजिए, उसमें जो है वो कंपोज डालें और वो प्लांट डालें और कहीं पानी नहीं दीजिए, सिर्फ पानी उस मखसूस जगह पर दीजिए जहाँ पौधा आपने लगाया है। तो जनाब ये मुझे सादिया ने बड़े अच्छा पौधा दिया था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ये ज़मीन पे जो है वो ज़्यादा फूल लेकर आएगा और ये हमने यहाँ लगा दिया है। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स मेरे घर आई थी जब गुड़िया की शादी हुई थी, सब ने मुझे बड़े ज़बरदस्त से प्लांट्स दिए थे, क्योंकि मैंने इनसे यही कहा था कि आप लोग जो हैं वो गिफ्ट में मुझे प्लांट्स ही दीजिएगा। तो बड़े ज़बरदस्त से प्लांट्स और गमले, बल्कि जो बाहर आप लोग देखते हैं दरवाजे के बाहर जो ब्लू ब्राउन कलर के जो गमले रखे हैं वो भी मेरी सहेलियों ने ही दिए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये लोग लगा रहे हैं पौधा, और ये जो निकाल रहा है ना बोरी में से, ये कंपोस्ट कहलाती है। बस अब ये काम कर रहा है, इसने यही गढ़ा किया और इसमें जो है ये प्लांट लगाएगा। और इसने सख्ती से कहा कि सिर्फ यहीं पानी दें। चंपा कली जो है वो मेरा इतना प्यारा था, मुझे चंपा कली बहुत पसंद है, वो ख़राब हो गया था। तो बिलाल हमेशा जो है वो चंपा कली जो है वो गिफ्ट करता है, और ये अपने साथ इस लड़के को साथी को लाया था ताकि जल्दी काम हो जाए। ये जुमेरात का दिन है और जुमेरात वाले दिन जो है ये सारा काम हो रहा है। मैं आपको सारी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है ना सारी वो दिखाऊँगी, रिपोर्ट दूँगी सारी चीज़ों की, क्योंकि इस वाली वीडियो में जो है ना जुमेरात है और जुमा है, और जुमे को हम एक तकरीब में गए थे, वो देखिएगा आप लोग। तो जनाब ये जुमेरात को हम लाए थे और इन दोनों ने मिलके, लड़कों ने जो है वो 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर दिया था, और ये मैं ऊपर से जो है वो वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें, स्टोरी सुने बस इनकी, अब देखें उसकी जड़ें बाहर आ गईं, तो अगर जड़ काट देंगे तो दरख्त मर जाएगा, तो जड़ें अलग कर रहे हैं प्लास्टिक से ताकि पौधा ना मरे। जड़ वाले पौधे को गमले से निकालने का ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, और ये मैंने टीमू से मंगवाया था इसके लिए जनाब, ये मैंने मंगवाया था बर्ड्स के लिए। एक ही साथ सब एक जगह आ जाता है, हमने तो फ्लैट में उसमें गमले में लगा, जितना बैंगन आ रहा था माशाल्लाह, बहुत फासला नहीं रखना, नजदीक नजदीक लगा देना। टमाटर भी तो लगाने हैं ना, देख रहे हैं अभी, तो देख रहे हैं डिजाइन, टमाटर लगा दो, एक ये भी है, ये तो पहले के हैं, ये इसमें भी है, इसमें भी है ना, तीन है, आज तीन लाया। ये वाला जो आंगन है ये घर के अंदर है पीछे की तरफ, और जो आपने पहले देखा था गार्डन सा, वो जो जगह थी वो जो थी समझे घर के आगे थी। और इसमें जो है ये मोस्टली में जो है हम लोगों ने यही सोचा है कि इसको किचन गार्डन बनाया जाए, यहाँ के टाइल्स अलग हैं, वहाँ के टाइल्स अलग हैं, और अब यहाँ पर जो है ये जो हम सब्जियाँ लेकर आए थे ना वो लग रही हैं इसमें, जिसमें हमने लिए थे 3 से 4 बैंगन, मिर्चें, टमाटर और पुदीना जो है वो ताई अम्मी ने बेचारियों ने 2 दफ़ा ट्राई किया लेकिन वो उगा नहीं, और जितने वो बीज लाई थी वो शुरू में ही सारे जो है वो चले गए बीज, क्योंकि वो मिट्टी सख्त थी तो वो बने ही नहीं। तो ये है सारी स्टोरी।
अब बिलाल को जो है वो तसल्ली नहीं हो रही, तो वो पूरा हमें बताएंगे कि किस तरह से जो है कितना पानी डालना है। और जो एक्सपर्ट होते हैं ना इन चीज़ों के, उनको लाजिम बुलाना चाहिए। थोड़ी सी अपनी रॉकेट साइंस ज़रूर झाड़नी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि आपका टाइम और पैसा दोनों चीज़ें बर्बाद हों, इसलिए जो है जो इसका जो काम होता है ना, ये जिसका काम है उसको ज़रूर बुलाना चाहिए। तो बस अगर वो नहीं आता तो हम मिट्टी में ही खाद मिलाते रहते, और ये ना करते जो वो ये करके गया कि मखसूस जगह पे उसने कॉम्पोस्ट मिलाई है और डाली है। तो वो बेचारा अपने हाथों से जो है इनको पानी डाल के और फिर जो है वो यहाँ से जाएगा। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:45, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और ये जनाब ये सारा काम हुआ है, बल्कि अभी देखें सही से सवेरा जो है ना वो भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं निकली। और ये जो है अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था या पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, ये जो है ये हुकूमत की तरफ से यानी बल्दिया म्यूनसिपलिटी की तरफ से, बल्दिया की तरफ से ये मिला है पौधा। एक इसका जो दूसरा भाई है वो कहाँ है फरहान, इसका दूसरा, अच्छा वो ख़राब हो गया, जल गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये वाला जो है ये नीम है, और ये तो आपको पता है खूबसूरत सी बेलें हैं, और ये मेरी सहेली ने दिया था, सादिया ने मुझे, और ये सदाबहार है। ये जो है चंपा कली है, पुराना वाला जो चंपा कली मैं आप लोगों को दिखाती थी वो भी बेचारा मर गया, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी। कल आया है बिलाल और उसने जो ये सारा दोबारा से मिट्टी सही की है, वो ख़ुद लगा के गया ये सारे पौधे जो कि आप वीडियो में देख चुके हैं। बस मैंने कहा मैं आपको सुबह में दिखाऊं, ये मैंने टीमू से लिया है, ये है पानी के लिए, इसमें बस अभी हम पानी डालते हैं चिड़ियाओं के लिए। और ये मैंने जनाब टीमू से लिया, और ये बिल्कुल महंगा नहीं है, मेरे ख़्याल से 2.5 दिनार का होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह ताला चिड़ियाएँ आएँ, पानी पिएँ, फैज़याब हों, और हमें हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह। तो एवरीवन, ये है जनाब चिकन, और मैं जब मसाला लगा के रखूँगी जुमे के लिए। तो अब मैंने नई चीज़ क्या सीखी है कि मैं जो हूँ वो चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ, और फिर सुबह जो है वो चिकन को आलू के साथ ही जो है ना पकने रख देती हूँ। और उससे क्या होता है कि चिकन जो है वो आधे घंटे में बन जाती है, और फिर हम जो है ना चिकन का मसाला यानी बिरयानी का मसाला बना के और हम चले जाते हैं नमाज को। ये पूरा इस्तेमाल होगा क्योंकि चिकन अच्छी खासी है, और हम चले जाते हैं नमाज को, तो इसलिए बस घर आके जो है वो दम देना होता है, चावल उबालने होते हैं। तो इस वजह से ये जो है इसमें बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। बाद में मैं बताऊंगी कल इंशाल्लाह ताला, अगर मुझे याद रहा कि जो है वो आपको इसकी पूरी वो दिखानी है रेसिपी के किस तरह मैंने और क्या क्या इसमें जो है वो डाला मार डाला। चलें जनाब ये दोनों चीज़ें होंगे, दोनों चीज़ें फेंकने वाली हैं, घर साफ होगा, चीज़ें फेंक दें, ऊपर करना है हमें थोड़ा सा। ये जो है ये है अदरक लहसुन आइसक्रीम के डब्बे में बहुत है, और ये जो है जनाब अगर आप चाहें तो ऐसे मिक्स कर लीजिए। बस ये तीन चीज़ें डालेंगी, अदरक लहसुन ये, और एक चमचा एक्स्ट्रा, ऊपर करो लीमू तर नज़र आए, एक चमचा एक्स्ट्रा जो है वो नमक डलेगा, क्योंकि बिरयानी के मसाले में नमक जो है वो तेज़ होना चाहिए। ये जो नमक है इसमें हिमालयन सॉल्ट और ये जो है मिक्स्ड है, तो बस ये एक चमचा डलेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक होता है। अब जो है हम इसको मिलाएंगे, और ये चिकन इसमें डाल देंगे, इसको रख दीजिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको इंशाल्लाह कल दिखाएंगे कि और इसमें क्या क्या डलेगा।
अब इसको आप फ्रिज में रख दें। इस वक्त बज रहे हैं रात के 8:30 और अब ये सुबह जो है मैं तकरीबन समझे 9 बजे बनाऊंगी, क्योंकि फिर हम जाएंगे जुमे की नमाज़ को, तो ये तकरीबन समझे 9 से 9:30 बन जाएगा। और जनाब बहुत ज़बरदस्त सी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जो है नाश्ता भी बनाने से पहले अब मेरा यही एक काम हो गया है कि मैं जो हूँ वो सुबह नाश्ता बनाने से पहले जुमे को ये जो मैंने मसाला लगा के रखी होती है चिकन, इसको तेल में मैं डाल देती हूँ और फिर इसको बनने के लिए रख देती हूँ, जिसमें मैं आलू भी डालती हूँ। मसाला इसमें पहले से होता है और इसमें मैं थोड़े से डालूँगी जनाब आलू बुखारे और ये तली हुई प्याज है जो कि मैंने आप लोगों को पैकेट्स दिखाए हैं इसके, जो बाज़ार में मिलती है। इससे बहुत अच्छी जो है वो बिरयानी बनेगी। ये है जनाब टोमेटो पेस्ट, इससे बिरयानी का जो है वो खट्टा खट्टापन होता है और ये बहुत मज़े का लगता है, इसलिए जो है वो पेस्ट इस्तेमाल करें। और ज़रा सा पानी डालेंगे, अपने ही पानी में दही के साथ मुर्गी और आलू जो हैं वो गल जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त मसाला बनेगा जिसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं अंडा बना रही हूँ, पराठे डल रहे हैं क्योंकि नाश्ता भी होगा और जब हम नमाज के लिए निकलेंगे तो ये मसाला जो है ना ये ज़बरदस्त सा तैयार होगा। और जनाब ये मसाला तैयार हो गया है, अब इसको जो है बस चेक करना है। आलू और चिकन जो है वो गल गए हैं और अब जो है वो चूल्हा बंद हो गया, मेरा काम यहाँ तक का ख़त्म। इसके बाद आगे जनाब नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो है ये चावल उबलने रख दिए, यानी पानी उबलने रख दिया, उसके बाद जो है जनाब चावल डल गए और बस फिर बिरयानी की तैयारी शुरू हो गई। बिरयानी के मसाले में जो तेल होता है उसको सबसे पहले मैंने थोड़ा सा निकाला, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है वो चावल डाल देंगे तो चावल लग जाते हैं दम के वक्त, इसलिए इसमें जो है आपने रोगन डालना है, तेल डालना है, उसी के अंदर जो है आपने इसमें ज़ीरा डालना है और कटी हुई मिर्च डालिएगा। इससे जो है वो अच्छी सी खुशबू भी आएगी और तली हुई मिर्च भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने मिर्च और पुदीने का पाउडर जो है वो बिरयानी में नहीं डाले था ताकि इसकी जो खुशबू है वो अलग से आए। इसके बाद इसमें जनाब चावल डाल देने हैं और पाउडर जो है वो मैं डाल चुकी थी पुदीने का। इसी तरह बस इसको सजाते चले जाना है और फिर इसको दम दे देना है और फिर मज़े से खा लेना है। आप ज़िंदगी के हर दिन में जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये पहले मुझे टमाटर, क्योंकि हमारी फैमिली को टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है तो मैं इस तरह से नहीं टमाटर रखती थी बिरयानी पे, लेकिन मुझे एक नई चीज़ पता चली कि अगर आप बिरयानी पे टमाटर इस तरह रखेंगे तो चावलों में बड़ी नमी सी रहती है और चावल जो हैं वो नरम रहते हैं। ये बिरयानी इसलिए ज़्यादा बनी है क्योंकि ये रात तक के लिए बनी है, क्योंकि मैं और ताई अम्मी इनवाइटेड थे ग्रूम शावर के लिए। यानी आपने ब्राइडल शावर सुना होगा ना कि जब लड़की की शादी होती है तो फिर उसकी सहेलियां जो है वो एक छोटी सी पार्टी रखती हैं, इसी तरह जो हमारी पड़ोसन और सहेली है उसने अपने भाई की शादी के लिए जो है वो छोटी सी पार्टी रखी थी और जिसमें मैं और टाइम भी इन्वाइटेड थे, इसीलिए मैंने ये भर के देगची बना दी ताकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी जो हैं वो भूखे ना बैठे रहें और रात में जो है वो मज़े से अपना खाना खाएं और उनके कान ना हमारी तरफ लगे रहें कि अम्मी लोग क्या कर रहे हैं और हमें हमारे लिए खाने में कोई ऐसी आम सी चीज़ है, दाल पका दी, खुद अच्छा अच्छा खा रही हैं। तो जनाब इसीलिए बेहतरीन से जो है वो बिरयानी बना के दे दी। और यहाँ पर जो है ये है जनाब मेरी सहेली का घर, कुछ कुछ मेरे घर जैसा है क्योंकि सारे घर एक जैसे हैं, हम सब एक हैं, तो इसलिए जो है बस अब आप यहाँ की तैयारी देखिए, ब्यूटीफुल तैयारी। और बहुत मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत, और खाना तो इतना ज़बरदस्त था और बहुत मज़ा आया, सुकून था कि बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती बिरयानी बना के दे दी है, अब बच्चे भी आराम से बैठे रहेंगे। और मैं और ताई अम्मी जो है वो यहाँ आ गए थे, मेहमान जो है वो थोड़े से रह गए थे आने, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसी वक्त मैं जो हूँ आपको इसकी इस तकरीब की जो है वो वीडियो बना के दूँ ताकि आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए।
बकायदा इन्होंने जो है वो गिव अवे इसकी भी तैयारी की हुई थी कि जब हम जाएं तो हम ये छोटी सी जो है वो सौगात लेकर जाएं अपने साथ। बेहतरीन किस्म का सजाया हुआ था और अल्लाह ताला जो है वो बहुत खुशियां दिखाए दुल्हा दुल्हन को, उनके नसीब अच्छे करे और एक दूसरे का जो है वो अच्छा साथी बनाए, आमीन। और जनाब ये बड़ी दो तीन जगह थी, जगहें ऐसी थी जहाँ पर ज़बरदस्त से जो है वो फ़ोटो सेशन होने थे। और बाकी चीज़ें जो ये टेबल की सामान है जो कि अभी बस सजने वाली है, और ये देखें 1, 2 और 3 सज गई टेबल। बहुत ही मज़ेदार खाना था और मेरी फ्रेंड ने सारा खाना ख़ुद बनाया था और हर चीज़ बहुत टेस्टी थी और मीठा वग़ैरह भी था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिसकी यहाँ पर बंस भी थे और गार्लिक बंस थे जो मैंने ख़ुद भी बनाए, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने बच्चों को भी खिलाए। इंशाल्लाह ताला उसकी जो रेसिपी है ना वो मैं आपके साथ, ये देखें गार्लिक बंस, ये मैं आपके साथ जो है कोरियन बंस कहते हैं इसको, और ये इतने ईजी हैं, इतनी ईजी हैं और ये इतने टेस्टी हैं कि बहुत ही टेस्टी हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है इसकी अब जब दोबारा बनाऊंगी वीडियो तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही मज़ेदार सारी चीज़ें थी और मैंने जो है तकरीबन मीठे को छोड़ के सारी चीज़ें खाई क्योंकि इतना सारी हर चीज़ चख ली थी कि उसके बाद मीठे की गुंजाइश नहीं रही। उसके बाद जो है बड़ी ज़बरदस्त सी जो है हमको चाय भी पीने को मिली और हलीम बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़बरदस्त। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से एक छोटा सा और जो है वो पेट ले आए और ये सारी चीज़ें दोबारा खाएं क्योंकि सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। चाय के साथ बड़ी ज़बरदस्त सा मीठा था जनाब, जलेबी थी और एक और मीठा था और इसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी तो मैं चख नहीं पाई। और बहुत मज़े की चाय थी, चाय असल में मैंने चाय भी 2 दफ़ा पी थी इसलिए। और ये जनाब ये मेरा गिफ्ट है और ये दूसरा जो है ये ताई अम्मी का गिफ्ट है जो कि मैं लेके घर आ गई और अब मैं घर में आके आपको खोल के दिखाऊँगी कि इसमें कितने मज़े मज़े की चीज़ें हैं। तो जनाब ये जो है खजूर का जो है वो कुकी है, ये बखूर इन्होंने दिया है, आप लोगों को पता ही होगा कि बखूर क्या चीज़ होती है, कोयले पे, छोटे से कोयले पे रखे जो है इसका, इसको जलाते हैं और ये बड़ा खूबसूरत यानी बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो अरेबिक वो देता है, खुशबू देता है। और जनाब ये चॉकलेट भी इसके साथ मिली है और बड़ी खूबसूरत सी जो है ये प्लेट मिली है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं, अ टोकन ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, तो जनाब दावत से वापस आ चुके हैं और अब वक्त हो चुका है एक अच्छी सी गज़ल का, तो अब सुनते हैं एक अच्छी सी गज़ल। दिखाई देता है अब ऐब भी हुनर उसका, पहुंच गया है सितारा उरूज पर उसका, किसे खबर कि वो दिल में मुकीम है मेरे, हर एक पूछता रहता है मुझसे घर उसका। ये देखना है कि मकबूल कौन होता है, ये देखना है कि मकबूल कौन होता है, कबूल कर तो रहे हैं सभी असर उसका। वो आदमी तो हवा की तरह है आवारा, वो आदमी तो हवा की तरह है आवारा, ना कोई ठोर ठिकाना ना कोई घर उसका, ना कोई ठोर ठिकाना ना कोई घर उसका।
न जाने कौन मियाँ जिससे मैं नहीं वाकिफ, है जाने कौन मियाँ जिससे मैं नहीं वाकिफ, सुना तो जिक्र बहुत है इधर उधर उसका। शुक्रिया।